अस्सलाम वालेकुम, महासरफराज हियर। आज हम करंट अफेयर की सीरीज़ का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। 22 और 23 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने हैं। सबसे पहले कुछ पर्सनालिटीज़ थी। पर्सनालिटीज़ में सबसे पहले एक हैं मिस्टर जूलियन हार्डनेस। ये इस वक्त पाकिस्तान यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान में यूएनओ से। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये बल्गेरियन है और ये आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये 2019 में अपॉइंट हुई थी। और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कब बना था? इसका 11 जुलाई मंथ अक्सर पेपर के अंदर पूछते हैं, तो 11 जुलाई का बना था, को बना था। और इसका ईयर मुझे बता दें और इसका हेडक्वार्टर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि कहाँ पर है। फिर उसके बाद है सर्जी शोगियो, ये है डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, रूस के। फिर उसके बाद है थॉमस लेन। थॉमस लेन जो है ये एक पुलिस ऑफिशियल है, यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड वहाँ पर एक, आप लोगों को पता है, एक अफ्रीकन अमेरिकन रेजिडेंट थे, तो 2020 के अंदर उनकी वहाँ पर असैसिनेशन हो गई थी, किलिंग हो गई थी वहाँ पर। और ये जो थॉमस लेन है, इनको रिसेंटली सज़ा हुई है 3 साल के लिए। वो इस वजह से हुई है क्योंकि उनको लगता है कि थॉमस लेन जो है ये जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ में अबेटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब ये जो मदद वगैरह देनी होती है, हेल्प वगैरह करनी होती है, तो सिंपली ये कि इनकी किलिंग के अंदर इनका हाथ भी था, तो इस वजह से इनको 21 सितंबर 2022 को में 3 साल के लिए सज़ा हो गई है। फिर उसके बाद है शिंजो अबे। शिंजो अबे आप लोगों को पता है कि ही वॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इनकी असैसिनेशन हो गई थी 8 जुलाई 2022 में और इनकी पार्टी का नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसका ये था कि इनकी जो जापान है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसने डिसाइड किया था कि इसकी स्टेट फंडल होगी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। तो लेकिन वहाँ पर अभी पीएम हाउस के सामने एक बंदे ने खुद को वहाँ पर आग लगा ली उसको, क्योंकि वो इस हक में नहीं था कि उनकी ये फंडल करवाई जाए शिंजो अबे की। तो अब उसके से फिर उसके बाद है 6 नंबर पर नादा अल नाशिफ। ये जो है ये यूएन की एक्टिंग हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया था, आप लोगों को याद होगा, आप उसका मुझे नाम बताएं कि इनसे पहले कौन थी। अब ये है एक्टिंग है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद यूएनओ जो है ये कब बना था? यूएन ये यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 30 सितंबर 1947 के अंदर बनी थी और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स थी तो उसकी देख लेते हैं। पहला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 144 लगाना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो स्मोग की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, स्मोग के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। डेवलपमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है इसने रिसेंटली स्मोग की जो लेवल है उसको कम करने के लिए कहा है कि मैं सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 144 लगाने जा रहा हूँ। और जो सेक्शन 144 है उसके अंदर ये होता है कि लोगों को मना किया जाता है कि क्रॉप रेजिड्यूज और गार्बेज को वो आग नहीं लगा सकते, मतलब जला नहीं सकते। फिर उसके बाद है कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे लगी कि जो FST पुलिस है उसने डिसाइड अभी वहाँ पे एक लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मिरांडा वार्निंग। 21 सितंबर 2022 को इसने लॉन्च की है और इस पर स्कीम का पर्पस ये है कि जितने भी कस्टडी में लोग होते हैं उनकी राइट्स उनको प्रिवेंशन की जाए या उनको राइट्स दिए जाए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो है तारिक बशीर चीमा। आप लोगों को इसका पहले डिस्कस किया हुआ था। तो इनकी रिसेंट न्यूज़ ये है कि अभी जो रबी सीज़न नेक्स्ट स्टार्ट होगा, ये बेसिकली क्रॉप के 2 सीजन होते हैं, एक खरीफ सीज़न होता है, एक रबी सीज़न होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूँगी कि रबी सीज़न और खरीफ सीज़न क्या होता है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नेक्स्ट स्टार्ट होगा रबी सीज़न। रबी सीज़न के अंदर जितनी भी क्रॉप्स लगेंगी, तो जितने भी फ्लड एरिया के अंदर फार्मर्स हैं, तो क्रॉप्स लगाने के लिए उनको सीड्स पे और फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दी जाएगी, गवर्नमेंट देगी, ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिल सके और अपनी वो क्रॉप्स ग्रो कर सके।
फिर उसके बाद ये इससे रेलिवेंट एक और न्यूज़ भी है, अभी रिसेंट थोड़े दिन पहले फार्मर्स ने, किसानों ने एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज की वजह यही थी, ये जो टैक्सेस वगैरह या यूटिलिटी बिल्स वगैरह या यूरिया की प्राइसेस वगैरह जो इंक्रीज़ हो रही थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी कहा है कि दुनिया के अंदर जितनी अमवात होती हैं उसमें से 74% जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जिस तरह से ये हार्ट अटैक्स हो गए, इस तरह से हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, ठीक हो गया। ये उसने ग्लोबली बताई हैं, पाकिस्तान सिर्फ का नहीं है, ग्लोबली है। तकरीबन वो कह रहा है कि ग्लोबली जितनी भी डिजीज डेथ्स होती हैं उसमें से 74% डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं, और उसमें से उसने कहा है कि 41 मिलियन पीपल जो है एक साल में मरते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, ठीक हो गया। ये उसने पहले परसेंटेज बताई है, बाद में उसने लोग बताए कि कितने, 41 मिलियन पीपल, ठीक हो गया, एक ईयर के अंदर उनकी डेथ होती है पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो एशिया के अंदर थर्ड वर्स्ट करेंसी है परफॉर्मिंग के लिहाज से अगर हम देखें। उसके बाद देख लेते हैं ADB के जो डायरेक्टर जनरल है फॉर सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, इस वक्त वो है ये गीनिया जोकोवा। और फिर उसके बाद ADB का बना था 1966 के अंदर, ADB का मुझे हेडक्वार्टर बता दें कहाँ पे है। उसके बाद कुछ अम्बेसडर्स थे, अम्बेसडर्स में से सबसे पहले हंगरी का है, हंगरी का पाकिस्तान के अंदर अम्बेसडर है मिस्टर बैला। फिर उसके बाद है इराक का, पाकिस्तान के अंदर है हामिद अब्बास लफ्ता। इसका रिसेंट न्यूज़ ये है कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान से ज़ायरीन जो है इराक अक्सर जाया करते हैं, अभी रिसेंट थोड़े दिन पहले भी ज़ायरीन बहुत ज़्यादा गए हुए थे इराक में, तो वहाँ पे मज़ार है। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इराक के दरमियान में एक डील हुई है कि दोनों सर्विस के लिए, मतलब उनकी वहाँ पे जाने के लिए एक सर्विस स्टार्ट करने लगे हैं लोगों के लिए, ज़ायरीन के लिए, ये कराची से बसरा होगी। फिर उसके बाद जापान का पाकिस्तान के अंदर, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है क्या है, मित्सू हीरो वैडा। फिर उसके बाद कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस है, मिसलिनियस क्वेश्चंस में से सबसे पहले ये है, एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी रिसेंटली कहा है कि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी हमारी, उसका जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का नाम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सजिटेरियस ए, ठीक हो गया। उसने कहा है कि जो ब्लैक होल है सजिटेरियस ए, उसके इर्द गिर्द एक हॉट बबल है गैस का, वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है टर्किश डिफेंस फर्म है एक बेकार, इसने रिसेंटली UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इसने 20 आर्म्ड ड्रोन्स दिए हैं, और कहा गया है कि ये और भी देगा, UAE को और भी प्रोवाइड करेगा आर्म्स वगैरह। फिर उसके बाद है हिरान रीजन, ये सोमालिया से बिलोंग करता है, सोमालिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से पहले भी 2-3 दफ़ा शेयर की हुई है कि वहाँ पर अलशहाब एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप उसको वो डिक्लेयर करते हैं, तो रिसेंटली यहाँ वहाँ पर अलशहाब ग्रुप का US की स्ट्राइक की वजह से 27 पीपल उनके वफात पा गए या उनकी किलिंग हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मैं साइड पे आ जाती हूँ स्क्रीनशॉट लेने। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।